ये देखो सुकुड़ी हमारा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि हम अपने वीडियो पे आ चुके हैं, आपको पिछले बार आपको दिखा देते कि हमारा घर और उसी रास्ते से हम आगे आ रहे जहाँ हमारा हॉस्पिटल है। तो आइए दिखाते हैं हम आपको पलीगांव का हॉस्पिटल। आइए हमारे पीछे पीछे, सुबह सुबह का मौसम है, काफ़ी ठंडा हो रहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने ये जैकेट उतारी नहीं। आगे जा रहे मेरा भाई साहिल, आप उसको जो अगर पबजी खेलते हैं तो आप वीडियो और शायद एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये काफी अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन भाई कोई भी डॉक्टर नहीं तो थोड़ा बुरा जरूर लगता है। और इसके बारे में थोड़ा ऐसा राग बताइए, स्माइल बताइए आप इसके बारे में। और इस हॉस्पिटल की ये 5 बिल्डिंग है, लेकिन ये एनएम सेंटर है, लेकिन यहाँ भी कोई कुछ नहीं रहता। महीने में एक दिन आते हैं नर्स वगैरह टीका लगाने, लेकिन उसके बाद से ये बंद ही रहता। महीने में मुश्किल से ये 10 दिन खुलता है और ये एक दिन ही खुलता है महीने में जब टीका लगना होता है। और बाकी ये डॉक्टर के लिए रहने के लिए बिल्डिंग है। तो देखिए यहाँ पर रास्ता, अगर आप देखेंगे देखिए आप रास्ता देख के पता लगा सकते हैं कि कब से यहाँ कोई आए नहीं। झाड़ियाँ इतनी हो रही है, गड्ढे देखिए आप। और आगे देखिए हम अभी आगे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि तवा बोल रहा हूँ, पूजा है हमारे घर में, तो उसके लिए हम तवा लेने जा रहे हैं। और जैसे हम शहरियों को लोग, हमारे शहरी लोगों को पता है कि तवा इतना सा होता है, आज हम बताएंगे तवा कितना बड़ा होता है। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो गाइस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इतना कच्चा रास्ता, इतना डेंजर रास्ता है, जो शहरी लोग से आते हैं, शहर से आते हैं, उनके लिए काफ़ी मुझे बता सकती है। पर हम तो चलो गांव में आते रह जाते हैं, इसलिए हमें पता है कि हमने, पर देखिए अगर थोड़ा भी पाँव फिसला आप देख सकते हैं खाई कितनी डेंजर है, बहुत ही मुश्किल हो सकती है। देखिए इनको क्या कहते हैं, ये चीड़ के पत्ते, आपको बता दूं कि बहुत ही मुलायम होते हैं ये। देखिए अगर पाँव बहुत ही फिसलता है, अगर गलती से भी ये पाँव के नीचे आ जाए तो बहुत ही गलत चीज़ हो सकती है। तो गाइस हमारे घर में आज पूजा है, तो उसके लिए हम जा रहे हैं तवा लेने। तो उसके साथ जा रहे हैं मेरे दो भाई जो कि आगे जा रहे हैं, एक कौरक और एक बीटू और साहिल। बहुत थक गया हूँ, हम कम से कम इस वाली बिल्डिंग से, इस पहाड़ के पीछे से आए हैं, तो आप रास्ता भी देख सकते हैं, चढ़ाई है, ऊंचाई है और नीचे खाई है। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं तवा लेने, छोटा मोटा तवा नहीं है, उसके लिए दो आदमी लगेंगे और एक आदमी ऐसे ही आया व्लॉग बनाने जो कि कौरक है। तो आप देख सकते हो गाइस कैसी चढ़ाई है यहाँ पे, और यहाँ से सीधा नीचे वो हमारा हॉस्पिटल है गाइस, और उसी के जस्ट जैसे कि आप देख सकते हो जो कि बिल्डिंग दिखाई दे रही वो स्कूल है। तो अभी तो हम जा रहे हैं, जब तवा आएगा तब मिलते हैं गाइस। जैसे कि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने, काफ़ी अच्छा एरिया लगता है मुझे मेरे गांव का। अगर कैमरामैन को बोलेंगे आप थोड़ा इस साइड का व्यू दिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा है, हरियाली देखने को मिलती है, मौसम आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जो एटमोसफियर है काफ़ी अच्छा है। और देखिए ये जगह जो है वो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, क्योंकि बचपन से हम इसी जगह पर खेलते थे। ये हमारे स्कूल, गाँव की स्कूल है जो हाई स्कूल कहते हैं,
बगल में प्राइमरी स्कूल थी जो हमारे घर के नीचे, मैं आपको दिखा चुका हूँ। और ये है हमारी हाई स्कूल, इस पे साई जो हमारे भाई है उन्होंने पढ़ा है। तो सर कैसा एक्सपीरियंस था यहाँ पर? अच्छा था। ये स्कूल 9th और 10th वालों के लिए है, बस बाकी जो 6th 7th 8th वाले हैं वो वहाँ पर अच्छे नहीं है, तो ये केवल 9th और 10th का बैच पढ़ते हैं। तो आपने बताया था कि एक साल के लिए आप 9th कहीं और पढ़े थे? जो 9th मैंने वहाँ पढ़ी थी, तब स्कूल थी वहाँ, फिर उसके बाद यहाँ शिफ्ट हो गई, फिर मैंने 10th यहाँ पढ़ी थी। तो जैसे कि आप देखें ये प्राइमरी स्कूल नहीं है, हाई स्कूल है। और बगल में एक मंदिर है, एक मंदिर बनाई हुई है, तो साहिल उसके बारे में बताना चाहेंगे कौन सा मंदिर है? ये गुरिल देवता है और ये नीचे वाले जो गांव है हमारे नीचे उनका देवता है ये। तो ये यहाँ पे गुरिल देवता की पूजा की जाती है। वहाँ पे पीछे पीपल का पेड़ भी है जिनको ताऊ जी ने लगाया हुआ था। जी हाँ, पीछे पीपल का पेड़ देख रहे हैं आप, देखना चाहोगे पीपल का पेड़, लेकिन अभी शायद आपको दिखेगा नहीं। और चलिए आपको और आगे ले जाते हैं, इसका आगे का फेस व्यू दिखाते हैं अपने हाई स्कूल का। तो आइए हमारे पीछे पीछे आपको दिखाते हैं रास्ते किस साइड से होता है। शॉर्टकट रास्ते आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे हमारे गाँव में, क्योंकि इतने चलते हैं। तो देखिए स्कूल अभी चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना काल में अब स्कूलें खुल चुकी है। तो साहिल और मैं थोड़ा आगे जाने वो देखो गुरुजी, क्योंकि टीचर हम बोलते नहीं है, गुरुजी बोलते हैं गांव में। और देखिए काफ़ी अच्छा माहौल है, धूप सेक रहे हैं वहाँ पर बच्चे, जो लड़कियाँ हैं वो बाहर पटे क्लासेस के बाहर पटे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आपको व्यू दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, देखिए जहाँ से हम कल आए थे आपने देखा होगा कौन सा रास्ता है, और आज आपको वो पूरा रास्ता देखने को मिल रहा है। और देखिए एरिया अगर आप देखेंगे गाँव का, जो सबसे प्यारा एरिया होता है वो ये, इसी को कहा जाता है। देखिए शुरुआत में देखिए धूप आ रही है, हवा आ रही है, और क्या चाहिए जिंदगी में। और देखिए व्यू की बात करें तो व्यू आपको जो इस तरीके से दिखेगा ऊपर चोटी में दिखेगा, तो भाई क्या ही प्यारा व्यू देखने को मिलता है। जब आप ऊपर चढ़ते हो ना भाई, वहाँ काफ़ी आफत आती है। और एक मंदिर में दिखाना चाहूँगा, घंडियाल मंदिर है इस साइड, तो देखिए आप ये घंडियाल मंदिर आपको देखने को मिल रही होगी। कहाँ है ये रही? तो बस आप आइए हमारे साथ, अब हम जा रहे हैं तवा लेने को। अब हमें गुंडीर गाँव जाना है, जहाँ पर हम तवा ले जाएंगे। और आपको पता रहेगा कि तवा क्या होता है, जिससे जिससे रोटी पकती है वो तवा होता है, पर एक होता है महातवा। महातवा मैं आपको बताऊंगा, तवा इंटू हंड्रेड, तवा इंटू हंड्रेड क्या होता है वो चीज़ मैं दिखाऊंगा। तो देखिए हम यहाँ से तवा तो लेके आ गए, तवा आपको दिखा दे कितना बड़ा है भाई। अब इस तवे को ले जाना है उस गांव पे जहाँ पर आपको दिख रही हो ना मंदिर से, वो उस साइड ले जाना है। तो देखना पड़ेगा कैसे ले जाते हैं, आफत काफ़ी आने वाली है इनकी। हम तो सीधा हम पे काफ़ी सामग्री है, ये देखिए मैंने ये पकड़ी हुई है, सैल की फट गई भैया, सैल की फट गई। यहाँ पर B2R अंकित अनिल, मेरे पास तो भाई काफी इम्पोर्टेंट सामान है। तो देखिए साहिल यहाँ पर देखिए तवे को किस तरह से रख रहे हैं यहाँ पर साहिल। और देखिए चल पड़े हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, साहिल से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। साहिल देखिए वन मैन आर्मी शो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लच काफी बार कर चुके हैं ये पबजी में। क्या आज वही तो इसका रोड से बनाएंगे क्या विनोद भाई और उन्हीं को ले हैं। देखिए वहाँ पर कितना दूर जाना है, साहिल अकेले सरवाइव कर रहे हैं अपने स्क्वाड को अकेले, जिम्मेदार बाहुबली बाहुबली चुन्नी ढंग से तो दिखाओ, तो दिखाई दे तो दिखा तो दिया मैंने, और कितना दिखाऊं इसको। अब आगे ले जाते हैं आपको खेत में, क्या है अच्छा लंगूर, वो देखिए लंगूर आपको देखने को मिल रहा होगा। और देखिए कैसा भाग रहा साला, इसीलिए यहाँ पर खेती नहीं होती, क्योंकि जब खेती होती ढंग से ये लंगूर पूरा चट कर जाता है। ये देखिए आपको नींबू का पेड़, और ये इतने ज्यादा नींबू आपको देखने को मिलेंगे, फ्री फंड के नींबू, ये बाजार में आपको 100 रुपए का एक मिलेगा। और यहाँ पर अनगिनत, सैल की मैं बात करूँ, सैल अकेले सर्वाइव कर रहे हैं अपने तवा लेके, आउटफिट उनका काफी अच्छा है, रॉयल पास से अभी फिलहाल खरीदा नहीं, लेकिन आउटफिट ही है। तो देखिए व्यू अगर आप देखेंगे कितना अच्छा व्यू आ रहा है, साहिल भी जा रहे हैं आगे जाके, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी आगे। हाँ
तो देखिए मेरे फिर भी सामान बहुत भारी है, मेरे भी हाथ तक तो पकड़ने में, और देखिए कितना डेंजर साहिल चले यहाँ पर, काफी अच्छा रिफ्लेक्सेस देखने को मिले साहिल के, साइक्लोन से भी तगड़े, साइक्लोन से भी तगड़े रिफ्लेक्सेस देखने को मिले, ध्यान लिखे हैं और उनका चेहरे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देखने को मिलता। घंटा इसको घर जाके बजाना है तेज रोक रावत को। स्कूल भी तो दिख गया, स्कूल भी चलो दिख गया, और आपको ले जाएंगे हम अपने स्कूल तो दिखा हुआ, स्कूल जा रहा दीदी हाँ सब दिखाती, हॉस्पिटल भी। और यहाँ पर देखिए मैं तवे को लेते लेते आया और थक लग गई है तो इसलिए मैं बैठ रखा था, लेकिन ये भी ये लेते लेते आया तू इतना बड़ा तवा भाई, देखो गाइस ये तवा है, इस पे हमारी रोटियां बनेगी, ये लगभग 20 से 25 किलो का होगा जिसको मैं अकेला अपने कमर पर उठा के लेके आया। देखिए भारी तो है पर जो मेहंदी लड़का होता है वो कैसे ना कैसे अरेंज कर लेता है अपनी जान को, और देखिए मैंने कितना अरेंज किया, 20-25 का भार है मेरे कमर पे पर कोई थकान का निशान नहीं। तो देखिए अगर आप मेरा चेहरा देख रहे हो, मेरे चेहरे पे कोई भी निराशा नहीं है, उत्साह से भरपूर है मेरा चेहरा, और देखिए कैसे ले जा रहा हूँ मैं अकेला, वन मैन आर्मी कह सकते आप मुझे, और आगे जाके देखिए मैं चढ़ाई में कैसे चढ़ूंगा, कोई डर ये देखो चढ़ाई कैसे चढ़ेंगे यहाँ पे, कॉरेक्ट गेमिंग ये ये देख सकते हो, यहाँ मत रखो ना, यहाँ का रख रहे यहाँ तो गिरेगा। ये देखो सुकड़ी हमारा उठाने की कोशिश कर रहा है, कुछ आ नहीं रहा, किसी ऊपर से पकड़, ऊपर से। ये देखो ये होते शहरी बाबू के हाल, रुक जा रुक जा, और देखो और कर, हां हां ऐसे कर, ऊपर से पकड़ तू, रुक जा रुक जा, उठा मैं ले, ये देखो और ऊपर जा, और ऊपर जा, ये अब ये चल पड़ा है। तो ये देखिए एक कन को जानो जा, तो क्या बड़े दान मिल, ये देखो हिलियो जरा, रुकियो जरा, रुकियो थोड़ा ऊपर कर दिया साहिल भैया, हल्का सा ऊपर। तो देखिए अंकित फटी पड़ी है, यो बिच्चू बॉय बिच्चू तो ये देखिए कैसे आ रहे हैं, तो बहुत ही आपत आया रखिए बिल्कुल भी तबा। देखिए भाई तो सारे बाबू के जो सारी बाबू होते हैं उनके यही हाल होते हैं, तो जब तक ये आएंगे अब यहाँ से हमारा तय गांव स्टार्ट, और ये हमारी छन्नी है भाभी, शुरुआत में यहाँ पर भाभी आ चुकी है, ये हमारी छन्नी है, और देखिए जो बड़े भाई हमारे, ये हमारा गांव है, ये हमारी छन्नी, हाँ ये हमारे गाय का गोबर, और यह खमजोला, यह कहा हमारी गाय, यह देखा हमारी भाभी यहाँ पर गाय का काम कर रही है, बछड़ा। और यहाँ से हमारा घर स्टार्ट हो चुका है, गाय के लिए कलचोनी, ये हमारे पापा ताई नानी, ये हमारा घर नया नया बनाए, ये पापा ये ताई ये चाची ये मूल, ये हमारे दूसरे चाचाओं का घर, माल्ट पेट दिखा लो अभी पूरा ढंग से, ऐसे में तो दिखा दिए, ये हमारी माताएं चाचाएं चाची, ये देखो बर्तन धो रही है, ये मेरी मम्मी ये मेरी चाची, एक्सपीरियंस बर्तन धोने का एक्सपीरियंस है, ये हमारे विनोद भाई आपके कैमरे के सामने पानी ले जाते हो वरना ये हमसे कहते अभी
किसको? हाँ हाँ, ले इसको रख देना। हाँ तो देखो यहाँ पर हम अभी चूल्हा बना रहे हैं। विनोद भाई की फटी पड़ी चाहिए खम, एक ही बाल्टी में सुलग गई उनकी, अब इतनी चढ़ाई चढ़नी है। और देखो एक बाल्टी में सोच रहे भाई यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। पीछे जो गांव आ रहा है वो सिमाल का है, पूरा सिमाल गांव है। और देखिए विनोद भाई की बना तो दी। वीडियो बन रही तभी आ रहा है वो बाल्टी लेके। और यहाँ पर ये B2R के क्लैन लीडर B2R सूरज। सूरज अपनी कभी शक्ल नहीं दिखाएंगे, चाहे अभी दिखा देंगे। ये B2 फेड, ये बिट्टू फेड B2R रावत। तो देखिए यहाँ पर चूल्हा बना रहे हैं, हमारे चाचा ये ताऊ। और देखिए ये अभी एक और चूल्हा बन रहा है, लेकिन बाकी चूल्हे बन चुके हैं, उन चूल्हों को मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए पत्थर से चूल्हे बना चुके हैं, देखिए गड्ढा कर चुके हैं उन्होंने। बर्तन देखिए पूरा खाना खोना इसी में बनेगा। दो चूल्हे, ये तीसरा चूल्हा, और ये हमारा आपको पता है इसको क्या कहते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये सारी लकड़ियाँ जो जलेगी हमारे खाना पकाने में इस्तेमाल होगी। और देखिए यहाँ पर ये परिवार है हमारा। व्यू देखिए आप हमारे गांव का और सिमालधार।